तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। अगर आपने इन पॉइंट्स को समझ लिया ना, तो दुनिया के किसी भी लड़के को आप इम्प्रेस कर सकते हो। और लड़की आपके लिए हर वो चीज़ करना चाहेगी जिसकी आप ख्वाहिश रखते हो। क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 के बारे में। फ्रेंड्स, आपको ये बात तो पता ही होगा कि अगर हम किसी लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम उसे फ्लर्ट करते हैं। ठीक है, ये बात तो सभी को पता ही होगा फ्रेंड। मगर भाई, लड़की को सही मायने में इम्प्रेस करने के लिए आपको उसकी तारीफ करनी चाहिए। क्योंकि तारीफ करने से क्या होता है कि कई हद तक आप किसी भी लड़की के ट्रस्ट को जीत सकते हो, इमोशंस को जीत सकते हो, एंड इससे जो आपकी उससे बॉन्डिंग होगी, आप उसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हो। देखो भाई, वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें सोचकर भी रखते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे सामने में हमारी क्रश आती है, या कहा जाए जिसको हम पसंद करते हैं, उसके सामने में हम कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, उसकी तारीफ ही नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा सा उसके सामने में घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। लेकिन यही फ्रेंड अगर कोई तीसरा आता है, हमारे ही कोई दोस्त यार हो या उसी का ही कोई फ्रेंड हो, वो बिल्कुल आराम से उसके साथ में बातें करता है, उसे फ्लर्ट भी करता है, उसे खूब हंसाता, इन्जॉय करवाता है, और फिर उसे वो पटा भी लेता है। लेकिन वहाँ पर फ्रेंड बस आप देखते ही रह जाते हो, कुछ भी कर ही नहीं पाते हो। इसलिए ये बात आपके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भाई, क्योंकि ये पहला ऐसा काम है जिससे आप किसी भी लड़की को इम्प्रेस कर सकते हो। जी हाँ मेरे भाई, वो है तारीफ। तारीफ की बहुत ही खासियत होती है, मगर इसमें भी आपको एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि जब भी आप किसी की भी तारीफ कर रहे हो तो वो कभी भी झूठी नहीं होनी चाहिए, बनावटी नहीं होनी चाहिए। अब फ्रेंड, जैसे कि आप उसको बोल रहे हो कि यार तुम तो हमेशा ही बवाल लगती हो, कमाल लगती हो, तुम्हारे अंदर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, तो भाई इससे उसे ये बात पता चल जाएगी ना कि आप उसे चने की झाड़ पर चढ़ा रहे हो। उसके बाद तो वो ये भी समझ जाएगी कि आप उसके साथ में फ्लर्ट कर रहे हो, उसे चिढ़ा रहे हो, उसका मजाक उड़ा रहे हो, वगैरह वगैरह। तो फ्रेंड, यहाँ पर आपको क्या करना होता है, आपको उसकी रियल में तारीफ़ करनी होती है, सच्ची तारीफ़ करनी होती है। और तारीफ़ करने के दौरान अगर आप ये चाहते हो कि उसको कैसे पता चलेगा कि मैं उसके सच में तारीफ़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए फ्रेंड आप उसकी आंखों में देखकर तारीफ़ करो, फिर देखो कैसे नहीं वो आपसे इम्प्रेस होती है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको किस किस चीज़ की तारीफ़ करनी चाहिए। तो पहले तो फ्रेंड आप उसके किसी टैलेंट की तारीफ़ करिए जो कि उसमें पहले से ही हो, जो उसने खुद कमाया है, कि तुम्हारे में इस चीज़ का टैलेंट कूट कूट कर भरा है। लाइक जैसे कि अगर वो बहुत अच्छे हैंडराइटिंग में लिखती है तो आप उस चीज़ की तारीफ़ कर सकते हो, या फिर अगर वो बहुत ही अच्छे से सिंगिंग या डांसिंग करती है तो आप उस चीज़ की भी तारीफ़ कर सकते हो। और दूसरी तारीफ़ होती है उसके नेचर की तारीफ़, उसके स्वभाव की तारीफ़, कि तुम्हारा स्वभाव और व्यवहार ना बहुत अच्छा है, तुम जब भी किसी से बात करती हो तो बहुत ही अच्छे से बात करती हो, प्यार से बात करती हो। तो भाई अगर आप उसके इस चीज़ की तारीफ़ करते हो तो भी वो आपसे इम्प्रेस हो जाएगी। या तीसरी, उसके अंदर किसी चीज़ की तारीफ, लाइक जैसे कि अगर उसकी आँखें अच्छी है, या होंठ अच्छी है, या आवाज़ अच्छा है, अरे भाई कुछ तो अच्छा होगा ही ना उसके अंदर में, आप उस चीज़ की तारीफ़ करिए। फिर देखिए फ्रेंड, लड़की को ये बात बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी कि लड़का सच बोल रहा है, सही बोल रहा है। और ये सुनने के बाद फ्रेंड आप सोच भी नहीं सकते कि लड़की आपके लिए क्या क्या कर सकती है। और इतना तो है फ्रेंड कि लड़की आपसे 100% इम्प्रेस हो जाएगी। तो अब बात करते सेकंड पॉइंट के बारे में। भाई, उस लड़की को आप ये दिखलाइए कि आप खुद का डिसीजन भी लेने जानते हो, आप हर बात पे हाँ में हाँ नहीं मिलाते। क्योंकि बहुत से लड़के क्या करते हैं, वो लड़की को इम्प्रेस करने के लिए उसके हर बात में हाँ मिलाते हैं, उन्हें ये बता देते हैं या एहसास करा देते हैं कि पता है यार, तुम मेरे लिए ना बहुत ही ज़्यादा खास हो, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, तुम ये हो वो हो, ये बोलकर उसको सर पर चढ़ा देते हैं। उसके बाद लड़की आपकी वैसी वैल्यू नहीं करती जिस वैल्यू के आप असल में हकदार हो। आपके उसके हाँ में हाँ मिलाने से उसको ऐसा लगता है कि शायद उसको सही गलत की समझ ही नहीं है, शायद वो कुछ सही से सोच ही नहीं सकता है, वो बस ऐसे ही मेरे बातों में हाँ मिला देता है। तो इसी वजह से फ्रेंड आपका इंप्रेशन खराब हो जाता है और आप लड़की को पटा नहीं पाते हो, वो आपके हाथ से निकल जाती है। इसलिए ये बात भी आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई, अब हम बात करते थर्ड पॉइंट के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि अगर आप ये चाहते हो कि लड़की आपके लिए कुछ करे और वो आपके लिए हमेशा ही सोचे, आपको हमेशा याद करे, तो उसके लिए भाई आप उसका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करो, भरोसा जीतने की कोशिश करो। क्योंकि जब आप उसका ट्रस्ट जीत लोगे ना, तब फिर देखना वो आपके लिए कुछ अलग ही फील करेगी, कुछ अलग ही महसूस करेगी। लेकिन आप यहाँ पर क्या करते हो, पहले तो आप लड़की का भरोसा तो जीतते नहीं हो, उससे पहले आप उसको प्रपोज कर देते हो, जिसकी वजह से वो आपको रिजेक्ट कर देती है, और आपके लिए कुछ करना तो दूर की बात है, वो सीधा आपको ब्लॉक कर देती है। इसलिए ये बात तो समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि लड़की आपके लिए तभी कुछ करना चाहेगी जब आप उसका ट्रस्ट जीत लोगे, भरोसा जीत लोगे। तो इस बात का भी आप ख्याल रखना। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को याद से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट या सवाल हो तो नीचे कमेंट करना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।